नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को, गुड मॉर्निंग। और आज तारीख है 11 जुलाई, और इस वक्त मैं मशोबरा जा रहा हूँ। मशोबरा ग्रीन्स का आपने नाम सुना होगा, और कैंपिंग के लिए। और ये कुछ व्यूज़ है मेरे सामने, क्योंकि मैंने अभी ये रोड पकड़ा है, क्योंकि मैं यहाँ से अब मशोबरा जाऊँगा, क्योंकि वहाँ मेरा कुछ गेस्ट जो है गुजरात से आ रहे हैं, वो वहाँ विज़िट करेंगे, गुजरात और चहल। आज मैंने दो जगह प्रॉपर्टी में विज़िट करना है, एक अपना मशोबरा और दूसरा चहल रिज़ॉर्ट। चहल में जाके मैं आपको और मशोबरा में आपको कुछ कॉटेजेस दिखाऊंगा, बैम्बो कॉटेजेस, कुछ एक्टिविटी एरिया, और बैम्बो कॉटेजेस किस तरह के होते हैं, बैम्बो कॉटेजेस अटैच वॉशरूम है या नहीं है। और ये देख रहे हैं आप, ये भी काफ़ी अच्छी पहाड़ी है, काफ़ी सुंदर पहाड़ी है मेरे पीछे। और ये जो आपको लोकेशन दिख रही है, ये पड़ता है आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिसका आपने नाम सुना होगा बाड़ीधार। बाड़ीधार के लिए हमारा यही रास्ता है, यही वे और यही रास्ता जाता है बाड़ीधार के लिए। आप देख रहे हैं बाड़ीधार के लिए यही रास्ता जाता है, और इस साइड पे आपको बाड़ीधार दिखेगा ऊपर। बाड़ीधार एक ऐसा मेला है जिसमें हर तरह के लोग आते हैं, कुछ लोग पंजाब तरह की चीज़ें यहाँ मिलेगी, गर्म कपड़े, टोपीज। बच्चों का सामान भी यहाँ अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर लकड़ियों का सामान देखे जा रहा है, जैसे चले हो गए और टोकरी होगी। चीनी बंगलो यहाँ से तो चहल है 22 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। सोलन 67 पेट्रोल पंप भी यहाँ से नज़दीक है, बरोक। और अगर आप लोग एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, तो आप ये अंडरटेकिंग के हिमाचल टूरिज़्म का है। आप यहाँ पर ऐसे अंदर एंट्रेंस करेंगे तो यहाँ कुछ शॉल्स की, आपको कुछ सूट्स की शॉप दिखाई दे रही है। ये आपको चीनी बंगलो के अंदर एंट्रेंस करने के बाद मिलेगा। और ये कैफ़े ललित अंडरटेकिंग टूरिज़्म, अच्छा रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा फूड है। इस तरीके के आपको सूट्स मिलेंगे यहाँ पर, सर्दियों गर्मी के दोनों के सूट्स मिलते हैं ना ये शॉप से। यहाँ गर्मी और सर्दियों के काफ़ी अच्छे सूट्स मिलते हैं, ब्लैंकेट्स मिलते हैं। सर, स्टेट गवर्नमेंट का, अच्छा, अंडरटेकिंग हिमाचल प्रदेश के अंडर आता है ये। 20% और 50% का डिस्काउंट भी है इस शॉप में। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, अगर आपके साथ किड्स हैं, आपके साथ बच्चे हैं, और आप बच्चे बोर हो रहे हैं और उनको टॉयज चाहिए, तो वो आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। ये अंदर कुछ गेम्स लगी है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ गेम्स बंद कर दिए गए हैं। आपको अच्छा रेस्टोरेंट मिलेगा टूरिज़्म वाला, हिमाचल टूरिज़्म का, अच्छा फूड अवेलेबल है यहाँ रेस्टोरेंट। तो ये है हमारा चीनी बंगलो, और जो कि कुफरी में ही आता है। पहले आप जब कुफरी में विज़िट करेंगे, कुफरी के बाद आपका ज़ू आएगा, ज़ू के बाद चीनी बंगलो। और कुफरी से आगे आप चहल जा सकते हैं, सोलन निकल सकते हैं। अगर आप सोलन निकलेंगे यहाँ से, तो सोलन से आप चंडीगढ़ भी निकल सकते हैं, क्योंकि सोलन वाया चहल और साधुपुल होके आपको कंडा घाट रोड पकड़ना पड़ेगा। ये ज़ू है, यहीं से मैं आपको कुछ अगर एनिमल्स मुझे दिख रहे तो मैं आपको दिखा देता। हाँ, ये है नीचे एनिमल्स, आप देख रहे हैं। ये हिरन जरूर मिल सकता है आपको, अगर आपको दिख पा रहा है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ हिरन है। हिरन है ना भाई ये? चीनी बंगलो।
तो टाइम काफ़ी हो गया है, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ भी है, ज़िप लाइन, वैली क्रॉसिंग और तीन चार एक्टिविटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप जब चीनी बलूंगे अंदर आएंगे तो आपको कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज़ करने को मिल सकती है, लाइक अ ज़िप लाइन, फ्लाइंग फॉक्स, रैपलिंग। ये आप लोगों को ज़िप लाइन यहाँ एक्टिविटी मिल जाएगी, वैली क्रॉसिंग जैसा मैंने आपको बताया, बर्मा ब्रिज, कमांडो नेट, और लास्ट में एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों को मेरी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको मेरी वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालिए। और याद रहे कि आप वहाँ पर देखेंगे एक बेल आइकन का बटन्स होगा, उसको दबाइए, आपको इस तरह की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती जाएगी। और आप मेरे पेज को वाइल्ड कैंपिंग टूर एंड ट्रैवल दानिश शर्मा को फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू। आएंगे भैया? ये रूम्स है, इंटरकॉम फैसिलिटी भी है यहाँ ना भैया। ये वॉशरूम, अच्छा सारे इसी तरह के रूम है भैया? अच्छा सेम है ना, अच्छा अच्छा सेम कॉटेजेस है, ठीक है। अच्छा ये 8 कॉटेजेस अभी है ना, और इसके बाद अच्छा यहाँ स्विमिंग पूल भी है भैया? नहीं पूल तो नहीं, पॉन्ड है। अच्छा ओके, ये लॉन है, ये लॉन एरिया जी। ये लॉन एरिया है, रात को आप लोग चाहे तो यहाँ बॉनफायर ले सकते हैं और काफ़ी अच्छे व्यूज़ का नज़ारा ले सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है यहाँ। ये लॉन के पास से मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, ये है आपके लॉन और यहाँ से ये आपको दिखेगा, ये बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं, ये शिमला है, थोड़ी धुंध पड़ी है, क्लैरिटी अभी क्लियर ही दिखाई दे नहीं रही है। पंथा घाटी शिमला, ओके। भैया वैसे ना ऐसा लग रहा थोड़ा अंग्रेजों का टाइप का बनाया हुआ ना है। तो बाद में भी बना लेंगे, पानी वगैरह पी लेते हैं बल्कि जी। अच्छा अच्छा लो भैया आप लो, ये डाइनिंग एरिया भैया, ये डाइनिंग एरिया है, ये डाइनिंग एरिया है जो रात को अगर आप लोगों को अगर डिनर करना हो तो यहाँ बफे लगती है, यहाँ ये बफे लगते हैं। फैमिली के साथ आप लोग कभी भी आओ तो काफ़ी अच्छा इन्जॉय कर सकते हैं, क्योंकि पीसफुल एरिया है, सबसे बड़ी बात है कि ये पीसफुल एरिया है, कोई आसपास कोई शोर शराबा नहीं है, शिमला से बिल्कुल हटके हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी को गुड मॉर्निंग, और आज तारीख है 11 जुलाई और इस वक्त मैं मशोबरा जा रहा हूँ, मशोबरा ग्रीन्स का आपने नाम सुना होगा, और कैंपिंग के लिए। और ये कुछ व्यूज़ है मेरे सामने, क्योंकि मैंने अभी ये रोड पकड़ा है क्योंकि मैं यहाँ से अब मशोबरा जाऊँगा, क्योंकि वहाँ मेरा कुछ गेस्ट जो है गुजरात से आ रहे हैं, वो वहाँ विज़िट करेंगे, गुजरात और चहल। आज मैंने दो जगह प्रॉपर्टी में विज़िट करना है,
एक अपना मशोबरा और दूसरा चैल रिजॉर्ट। चैल में जाके मैं आपको और मशोबरा में आपको कुछ कॉटेजेस दिखाऊंगा, बैम्बो कॉटेजेस, एक्टिविटी एरिया, और बैम्बो कॉटेजेस किस तरह के होते हैं, बैम्बो कॉटेजेस अटैच वॉशरूम है या नहीं है। और ये देख रहे हैं आप, ये भी काफ़ी अच्छी पहाड़ी है, काफ़ी सुंदर पहाड़ी है मेरे पीछे। और ये जो आपको लोकेशन दिख रही है, ये पड़ता है आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिसका आपने नाम सुना होगा बाड़ीधार। बाड़ीधार के लिए हमारा यही रास्ता है, यही वे और यही रास्ता जाता है बाड़ीधार के लिए। आप देख रहे हो बाड़ीधार के लिए यही रास्ता जाता है, और इस साइड पे आपको बाड़ीधार दिखेगा ऊपर। बाड़ीधार एक ऐसा मेला है जिसमें हर तरह के लोग आते हैं, कुछ लोग पंजाब से भी आ रहे हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं, क्योंकि बाड़ीधार मेला काफ़ी फेमस मेला है, देवते का स्थान है। और आप देख रहे हैं